देसी इंडियन स्नेल रेसिपी बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और पौष्टिक होती है, खासकर आँखों के लिए। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हम एक फ्राई पैन को मीडियम टेम्परेचर में गर्म कर लेंगे और इसे हम सरसों के तेल में ही बनाएं ताकि इसका एक्चुअल टेस्ट हमें आए। तो तेल हल्का गर्म हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जीरा और जीरे को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे तेल के साथ। जीरा फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज लिए हैं जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। और तेल के साथ प्याज को हमें सैलो फ्राई करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज करना है। प्याज हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि प्याज का हमें पेस्ट बनाना है। प्याज लगभग हमारा फ्राई हो चुका है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो टमाटर भी मैंने मीडियम साइज़ के दो लिए हैं और टमाटर को भी अब हम प्याज के साथ मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। और इसे जल्दी से सॉफ्ट और पकाने के लिए हम ऐड करेंगे नमक ताकि प्याज और टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो नमक को हम अच्छे से इस तरह मिला लेंगे प्याज टमाटर के साथ और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी ताकि कलर अच्छा आ जाए, ताकि जो हमारा पेस्ट बनेगा उसका कलर थोड़ा हमें अच्छा देखने को मिले। तो हमने यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर दिया है और हल्दी को भी इस तरह मिला के हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसे दो मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे लो फ्लेम पे। दो मिनट बाद फिर हम इसे थोड़ा सा इस तरह मिला लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चेक कर लेंगे कि हमारा प्याज और टमाटर सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो ये हमारा प्याज टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, अब ठंडा होने के लिए उसे हम रख देंगे। और इसी फ्राई पैन में हम ऐड करेंगे सरसों का तेल और फिर जीरा। जीरा चटकने लगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्नेल के मीट को। स्नेल मीट ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी या मॉइस्चर है वो जब तक सूख ना जाए तो अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लेने के बाद इसे हम अलग करके रख लेंगे। स्नेल भी हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसी फ्राई पैन में फिर थोड़ा सा तेल और जीरा डाल के गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन। अगर आपको बैगन पसंद हो तो आप ऐड करें या फिर स्किप कर सकते हैं। बैगन के साथ थोड़ा इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। अगर आप खाते हैं तो आप ये बैगन के साथ बना सकते हैं या फिर स्नेल के साथ आप आलू भी मिला सकते हैं या सिर्फ स्नेल की ही रेसिपी आप बना सकते हैं। प्रोसेस सेम इसी तरह रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और बैगन को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गर्म कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। और फिर हमने यहाँ पे ऐड किया है पीसा हुआ, सिलपट्टे पे पीसा हुआ मैंने मसाला यूज़ किया है जिसमें धनिया, जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च और थोड़े से खड़े गरम मसाले हैं जिसको मैंने पीस लिया है। और मसाले को भी बैगन के साथ मिलाकर अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। और मसाला हमारा फ्राई हो जाने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्याज टमाटर के पेस्ट को। प्याज टमाटर के पेस्ट को ऐड करने के बाद उसे फिर मसाले को फिर हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। टेम्परेचर हमारा मीडियम टू लो ही रहेगा। तो मसाला को हम इस तरह मिलाते हुए फ्राई करेंगे। और अगर जानना चाह रहे हैं कि स्नेल किस तरह निकाला जाता है, किस तरह साफ़ किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस आपको मेरे ब्लॉग चैनल में मिलेंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं स्नेल किस तरह तालाब या खेत से निकाला जाता है, किस तरह सफाई की जाती है। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया स्नेल मीट को और उसे भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला के हम फ्राई करेंगे। जिनको बैगन से एलर्जी है वो बैगन को स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ स्नेल से ही ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है ये रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। इस तरह मसाले के साथ स्नेल मीट को फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी।
थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है और इसको फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके फ्राई कर लेने के बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और बैंगन को हमें पकाना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे ताकि बैंगन हमारा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बैंगन हमारा पका हुआ है नहीं। तो थोड़ा सा और पानी ऐड करके हम बैंगन को पका लेंगे। तो उसके लिए पानी ऐड करने के बाद इस तरह मिला लेंगे। और अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और नमक ऐड किया है। और नमक को भी मिला लेने के बाद फिर इसे हम ढक कर 7 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। 10 मिनट के बाद इस पर हम ढक्कन हटा के देखेंगे तो ये रेसिपी बिल्कुल हमारी रेडी है। इसको आप धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर सकते हैं, गर्मा गर्म चावल रोटी के साथ इसको परोसे। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इसी तरह देसी इंडियन रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो मिलती हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।